डकैती के 5 मुलजमान गिरफ्तार, 80 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली गई। आईजी सिंध की एसएस सेंट्रल और टीम को शाबाशी। अजमेर नगरी सीमेंट डिपो पर डकैती के 4 मुलजमान गिरफ्तार, 25 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली गई। मुलजमान के कब्जे से असले और मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली। इंडस्ट्रीज चलने से मुल्क की मैशियत चलती है, गवर्नर सिंध का सनअतकारों से मुलाकात में इजहार ख्याल। वक्त की सरबराही मारूफ सनअतकार खालिद तवाब ने की। कामरान किशोरी के मसाइल के हल की यकीन दहानी। कराची वालों को पे इलेक्ट्रिक ने जहनी मरीज बना दिया। सईद गनी कहते हैं कई इलाकों में 14 घंटे से जायद की लोड शेडिंग हो रही है। पे इलेक्ट्रिक इज्तिमाई सजा का गैर इंसानी निजाम राइज किया हुआ है। रविश ना बदली तो फिर भरपूर एहतजाज करेंगे। ये कैबिनेट न पीपल्स पार्टी की, न एमक्यूएम की, न पीटीआई की, किसी क्योंकि बी टीम नहीं है। इसमें कोई भी मिनिस्टर किसी के रिकमेंडेशंस पे आया हो, और मैं समझता हूँ कि 2 महीने में अभी तक के अटैक ने इरेगुलरिटी नहीं की है कि जिसके ऊपर कोई इल्जाम करते थे। सूबाई काबीना अरकान का सियासी जमातों से ताल्लुक नहीं। मुबीन जमानी की वजाहत। निगरान वजीर बल्दियात सिंह कहते हैं हर बल्दियाती दफ्तर को बायोमेट्रिक करके काली भेड़ें खत्म करेंगे। सिंध बिल्डिंग का तमाम डेटा ऑनलाइन कर चुके। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के जितनी भी चीजें हैं वो ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुकी हैं। मैंने 1 महीना पहले उनका इफ्तिताह किया है। वहाँ बाकायदा एक आईटी सेक्शन है, हर चीज है। पूरी लोकल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉइज को सैलरीज जाती हैं, जिस पे लोगों को शुबात होती है कि जी ये वो मतलब एक फेक एम्प्लॉइज हैं, कॉस्ट एम्प्लॉइज हैं, हमने उसके लिए भी आर्डर दे दिया है कि पूरी जो पेमेंट हो वो ऑनलाइन हो, नादरा के साथ हो, और डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। हर दफ्तर में लोकल गवर्नमेंट में बायोमेट्रिक सिस्टम होगा कि कौन आ रहा है, कौन जूनियर है, कौन नहीं। उज़्मा और महकमा माजूर अफराद के दरमियान मफाहमत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अवामी मकाम पर माजूर अफराद को सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। सोहराब कोर्ट में सड़कों और पार्क बहाली के मनसूबे। टाउन चेयरमैन के हमरा क्लिक प्रोजेक्ट नुमाइंदगान का दौरा। लाला अब्दुल रहीम कहते हैं तरक्याती मनसूबे क्लिक के तआवुन से जल्द मुकम्मल करेंगे। औरंगी शाहरा पर जारी तरक्याती कामों से मुतालिक शिकायत। टाउन चेयरमैन की बैंकों के ब्रांच नुमाइंदगान से मुलाकात। हाजी जमील जिया ने वारदातों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खत लिखने की यकीन दहानी करा दी। गुलशन इकबाल टाउन मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला दर्ज। टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू में इजाफे की कोशिशों पर इजलास। जावेदुररहमान कलवड़ कहते हैं आवाम के साथ मुलाजमीन की तनख्वाहों के मसाइल भी हल करेंगे। जन्ना टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर ने चार्ज संभाल लिया। रईस इलाही बख्श की जेर सदारत इजलास का भी इनका। पता ही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान को तनबिया, मुलाजमीन को वक्त की पाबंदी करने की ताकीद। जनेसर टाउन में बल्दियाती मसाइल के हल पर गौर। चेयरमैन फरहान गनी के इलाके के आमायदीन से मुलाकात। लोड शेडिंग किल्लत आब समेत दीगर बल्दियाती मसाइल पर कमिश्नर कराची से बात की है। हैदराबाद के लिए मिनिस्टर साहब ने रिप्रेजेंटेशन की है, बहुत सारे काम वासा के हवाले से, एचडीए के हवाले से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से हमने कोशिश की है कि पानी पीने के पानी की जो पीसियाँ बना के दी है तकरीबन 30,000 रुपए की, वो भी सबमिट करवा दी है। क्लिक टाइप का एक प्रोग्राम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो भी कोशिश करेंगे, उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन हो। हैदराबाद में बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के मनसूबे पर गौर। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड इजलास में मेयर काशिफ शोरो कमिश्नर और दीगर की शिरकत। ने गरम वजीर बल्दियात की रानी बाग को दोबारा बहाल करने की यकीन दहानी। रानी बाग को पूरा के पारा डेवलप करेंगे और उसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं, हमारे मेयर साहब ने कहा है। अरशद रंजानी कत्ल केस में सजा सुना दी गई। रहीम शाह को 6 साल कैद में डालने का हुक्म। 1 लाख रुपए जुर्माने भी आए। दिन से दादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। 2019 में कत्ल किया गया था। तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
कर चुके जाकों के खिलाफ फौज की में ऑपरेशन की मंजूरी। निगरान वज़ीरे आला सिंध पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। चौकियां कायम करके पुलिस को जल्द पोजीशन संभालने की हिदायत। गैर कानूनी अफराद अपने मुल्क वापस चले जाएं। निगरान वज़ीरे दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं कि सूबे में किसी गैर कानूनी मुकीम शख्स को रहने की इजाजत नहीं। जाली शनाख्ती कार्ड जारी करने वालों के खिलाफ हुकूमत एक्शन ले रही है। गैर कानूनी मुकीम अफराद से 31 अक्टूबर के बाद समझौता नहीं होगा। निगरान वज़ीरे दाखिला सरफराज बुगची की वार्निंग। कहते हैं तमाम गैर कानूनी अफराद की निशानदेही कर ली गई। पनाह देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का अंतिया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। शहदा की मजमूई तादाद 6,500 से जायद हो गई। 2700 बच्चे और 1300 खवातीन शामिल। मुतादिद अस्पतालों में ईंधन खत्म होने से सर्विस मुअत्तल। असातिज़ा और तुलबा का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। कराची में स्टेडियम रोड पर अमन वॉक का इनेकाद। शुरका की जानिब से इसराइल के मजालिम की मजम्मत। शाहिनों के पास गलती की गुंजाइश बहुत कम। वर्ल्ड कप के अहम मैच में आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबल होंगे। और छुट्टियों पर जाने वाले खानदान को बिन बुलाए मेहमान का सामना। हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स की एक्शन थ्रिल मूवी लीव द वर्ल्ड बिहाइंड का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा माह रिलीज के लिए जारी।